आज सरकार का एफडीआई टेस्ट शुरू हो रहा है। अभी तक अटकलें थी लेकिन अब सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। सरकार ने अपनी तरफ से कोशिश ये की है, डीएमके का उन्हें समर्थन है, डीएमके सरकार के साथ है, लेकिन एआईएडीएमके के समर्थन की कोशिश की गई है और इससे समझ में आ रहा है कि सरकार शायद पूरी तरीके से आश्वस्त नहीं है। प्रियंवदा और जानकारी के साथ हमारे साथ चेन्नई से जुड़ रही है। जी प्रियंवदा, क्या खबर है? पहले भी डीएमके को भी सरकार का हिस्सा होने के बावजूद मनाने की जरूरत पड़ी थी, यहां पर एआईएडीएमके के समर्थन की भी जरूरत है अब सरकार को? और डीएमके को तो सरकार ने बहुत आसान से मना लिया, मगर एडीएमके के साथ इतना आसान नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि जयललिता और एडीएमके सरकार के खिलाफ बहुत सारे स्टेटमेंट दे चुके हैं और उनका अलायंस भी नहीं है, उनका अलायंस गठबंधन है डीएमके के साथ, जो एनिमी है एडीएमके के लिए। मगर कल जब एडीएमके एमपी प्रधानमंत्री को मिलने गए थे केबल टीवी के बारे में बातचीत करने के लिए, उस समय हमारे सूत्र बता रहे हैं कि उस समय प्रधानमंत्री ने एडीएमके एमपी को बताया कि वो एफडीआई को सपोर्ट करे, उन्होंने कैशुअली उन लोगों से रिक्वेस्ट दिया था, वही हमारे सूत्र बता रहे हैं। मगर एडीएमके के जयललिता ने स्पष्ट कर दिया कि वो एफडीआई में सरकार के साथ नहीं देगी। जी बहुत शुक्रिया प्रियंवदा इस पूरी जानकारी के लिए।